तो गाइस देख सकते हैं आप हमारा जो खिचड़ी है कितना प्यारा सुंदर बना हुआ है, कलर कितना ज़बरदस्त आया गाइस, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा बना हुआ है गाइस, देखिए आप कितना सुंदर है ना कलर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सुबह को नाश्ते में आप यूज़ कर सकते हैं और दोपहर के लंच में भी आप इसे खा सकते हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई रेसिपी लाए हैं आपके लिए, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही बेहतरीन, जिसे कहते हैं गाइस मसूर की दाल की रेसिपी। बनाएंगे मसूर की दाल की खिचड़ी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एक प्यारा सा कमेंट कर देना ज़रूर। तो आपको चलिए आपको हम दिखाते हैं रेसिपी। तो गाइस आप देख सकते हैं यह है मसूर की दाल, हमने ले लिया गाइस मसूर की दाल आधा कप। तो हमने कुकर में तेल, ऑयल, सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। इसमें गाइस हम ऐड कर देंगे सरसों के तेल में 2 चम्मच देसी घी। तो गाइस देख सकते हैं हम 2 चम्मच देसी घी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और गाइस देख सकते हैं हमारा जो देसी घी है धीरे धीरे सारा तेल में मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद गाइस इसमें हम घेर देंगे 2 चम्मच के आसपास जीरा। तब तक हमारा जीरा गर्म हो रहा है गाइस, हम जीरा गर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम इसे चम्मच से हल्के से चला देंगे इसे। तो गाइस देख सकते हैं तो हम इसे चम्मच से हल्का सा चला देंगे। चलाने के बाद गाइस इसमें हम मसाला यूज़ करेंगे। मसाला जो यूज़ कर रहे हैं हम गाइस 4 से 5 लौंग है और 4 से 5 काली मिर्च। हम इसे अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे गाइस। तो देख सकते हैं हमारा जब तक हम फ्राई हो रहे हैं तब तक उसके बाद हम घेर देंगे गाइस इसमें 2 से 3 तेज पत्ता। तो गाइस ये गाइस हमारा 2 से 3 तेज पत्ता और एक टुकड़ा दालचीनी का, इसे भी गाइस हम तेल में अच्छी तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद गाइस हम घेर देंगे कड़ी पत्ता, जिसे कहते हैं गाइस मीठा नीम का पत्ता। तो इसमें गाइस हमने नीम कड़ी पत्ता घेर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हल्का सा उसके बाद हमने घेर देंगे गाइस चॉप करे हुए प्याज। तो गाइस हमारे चॉप करे हुए प्याज गए हैं, हम इसे हल्के साथ पकाएंगे जब तक सुनहरा कलर ना हो जाता है गाइस। इसे हम पकाते रहेंगे 2 से 3 मिनट, इसे हम इसे पकाएंगे। तो गाइस हमारा देख सकते हैं आप जो है प्याज भी हल्का सा कलर सुनहरा कलर आने लगा है। तो इस पर हम घेर देंगे गाइस चॉप करे हुए आलू। तो गाइस गाइस ही चॉप करे हुए आलू। तो इस पर हम घेर देंगे गाइस हमारे मक्के के दाने, लगभग आधा कप मक्के के दाने इसे हम ऐड कर देंगे। इसे भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे गाइस। फ्राई करने के बाद गाइस हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला में गाइस हम ऐड करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा आलू और मक्का फ्राई हो चुका है। तो उसके बाद घेर देंगे गाइस 2 चॉप करे हुए टमाटर मीडियम साइज़ के, इसे भी गाइस हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो 2 से 3 मिनट इसे हम अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद गाइस हम यहाँ पर मसाला यूज़ करेंगे। आगे हम आपको आगे बताते हैं मसाला यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो है मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है 2 से 3 मिनट बाद। तो उसके बाद हम मसाला गाइस यूज़ करेंगे इसमें लगभग गाइस यहाँ पर मसाला हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हम यहाँ पर ऐड करते हैं गाइस सौंफ पाउडर। तो गाइस सौंफ पाउडर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास सौंफ साबुत है तो इसके उसको हल्का सा पीस लीजिए, सिलबट्टे में रख के पीस लीजिए या मिक्सी में जार में करके पीस के वो घेर दिए पाउडर। और उसके बाद गाइस हम घेर देंगे इसमें लगभग 1 से 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च जो गाइस तिक्खी नहीं होती है, सिर्फ ओनली कलर के लिए होता है। तो इन सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, मिक्स कर सकें देख सकते हैं आप हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद गाइस हम इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद इस पर गाइस हम हैंड पे हम घेर देंगे। अब हमारे जो मसूर की दाल है हमने धो के अच्छी तरह से रखा है, लगभग हमने आधा कप यूज़ कर रहे हैं मसूर की दाल। तो गाइस मसूर की दाल घेर देंगे इसमें। मसूर की दाल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। तो देख सकते हैं गाइस मसूर की दाल को गाइस पहले धो लेना है आपको, धो के अच्छी तरह से भिगो कर रखना। और गाइस इसमें हम 1 कप चावल यूज़ कर रहे हैं। चावल को भी आपको धो के बिल्कुल फ्रेश करके रखना है। तो गाइस चावल जो है मसूर की दाल हमने मिक्स कर दी अच्छी तरह से। इसे मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना। तो गाइस देख सकते हैं आप हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। तो गाइस इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें करेंगे पानी ऐड, क्यों लगभग हम इसमें 3 कप पानी यूज़ करेंगे।
दो तीन कप पानी यूज़ करने, देख सकते हैं आप। लगभग हमने आधा किलो आधा कप दाल, एक कप चावल, तीन कप पानी हमने यूज़ करा है। तो इसमें गाइस इसके ऊपर हम घेर देंगे एक चम्मच थोड़ा सा गरम मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें हम घेरेंगे गाइस एक चम्मच गरम मसाला। घर का आपके पास घर का हो तो घर का घेर सकते हैं आप, और बाज़ार का हो तो बाज़ार का भी आप घेर सकते हैं, लेकिन देख लेना सुगंध होना चाहिए मसाले में, खुशबूदार होना चाहिए थोड़ा सा। तो गाइस इस पर हम मसाला घेरने के बाद इस पर हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। कुकर के ढक्कन लगाने के बाद गाइस हम इसमें कम से कम तीन सीटी लगाएंगे। तो देखते हम गाइस कुकर का सीटी बंद कर रहे हैं मुँह और तीन सीटी का इंतज़ार करते हैं गाइस। तीन सीटी होने के बाद आपको हम दिखाते हैं हमारी जो खिचड़ी कैसे बनी हुई है। तो गाइस देख सकते हैं तीन सीटी आने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं हमारी जो खिचड़ी कैसे बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर, वाव वाव बेहतरीन, कितना गरम गरम बेहतरीन। एक एक दाने अलग हैं, मक्का आलू चावल के दाने बिल्कुल अलग अलग हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा, अच्छी खुशबू बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त आ रही है गाइस। मन कर रहा है अभी खा लें इसे। तो गाइस आप बनाइए खाइए। तो देख सकते हैं गाइस कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और गाइस हमने आपको मसाला जौन सा बताया है वही वाला यूज़ करना, मसूर की दाल की खिचड़ी, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, और मसूर की खिचड़ भी कहते हैं, जिसे हमारे हम अपने भाषा बताते हैं खिचड़ या खिचड़ी। तो आई होप दोस्तों आपको रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एक प्यारा सा कमेंट कर देना जरूर। तो आपको मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।